गुड मॉर्निंग क्लास 4। टुडे वी स्टडीज द साइंस। ओपन योर पेज नंबर 2। यूनिट 1, द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो एक टाइनी यूनिट के साथ मिलके बनी हुई है और उसको कहते हैं हम सेल्स। जो कि सेल्स हैं हमारी बॉडी के बेसिकली बिल्डिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जब मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं और सेम फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिंगल सेल दिखाया हुआ है, नर्व सेल। ठीक है, जो ब्रेन के साथ कनेक्ट करेगा। रेड ब्लड सेल है तो वो हार्ट के साथ कनेक्ट करेगा। एपिथीलियल सेल है तो वो स्किन के साथ कनेक्ट करेगा। सेकेंड टॉपिक हमारे पास है टिश्यूज़। टिश्यूज़ मैंने अभी आपको बताया, जब सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं और आपस में इकट्ठे होते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं। जैसे हमारे पास मस्कुलर टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, नर्वस होते हैं, एपिथीलियल टिश्यू होते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो होंगे वो नर्व से मिलकर, नर्व सेल्स जब आपस में ज्वाइन होंगे तो वह, ठीक है, इसी तरह एपिथीलियल टिश्यू हैं, ये किससे मिलकर बने हुए हैं, जो एपिथीलियल टिश्यूज़ हैं वो मेड अप ऑफ एपिथीलियल। जब सब एपिथीलियल सेल्स जो आपस में ज्वाइन करेंगे वो क्या बनाएंगे, एपिथीलियल टिश्यूज़ जो हैं बनाएंगे। ओके, उसके बाद है मसल्स टिश्यू। ये भी जो आपके जितने भी मसल सेल होंगे उनसे मिलके बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो हार्ट के सारे मसल्स होते हैं या जो सॉफ्ट मसल्स होते हैं ये वो वाले टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आपको एक टेबल दिया हुआ है, ये आपने एज इट इज़ लर्न करना है कि मस्कुलर टिश्यू क्या काम कर रहे हैं, आपकी मूवमेंट कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी की शेप दे रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं इनको वन प्लेस में, नर्वस टिश्यू सेंड सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, एपिथीलियल टिश्यू कवर सम पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, अब आप अपने हैंड्स आउट ओपन करेंगे और इसमें मंडे का काम करेंगे। ठीक है, आपने अपनी कॉपी रेडी करनी है और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 राइट डाउन करना है। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन, आपने आंसर लिखना है। द स्केलेटन इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी। इट अलाउज अस टू स्टैंड एंड मूव। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, आज के लिए इतना।